हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे सब लोग, उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। आज लेकर आए हैं हम एक बहुत ही धमाकेदार गाड़ी। तो गाड़ी आज हमारे पास रहने वाली है इनोवा की नई हाई क्रॉस। तो ये इनोवा हाई क्रॉस का बेस वेरिएंट है हमारे पास, जिसमें आपको एक पेट्रोल इंजन मिल जाता है। तो 2 लीटर का इसमें आपको पेट्रोल इंजन मिलेगा, जिसकी पावर है 173 BHP और 209 Nm का इसमें आपको टॉर्क मिलने वाला है। तो जो आज गाड़ी हमारे पास आई है, ये इसका बेस वेरिएंट है। तो बेस वेरिएंट एक बार हम फटाफट चेक कर लेते हैं, उसके बाद सीधा ड्राइव पे चलेंगे गाड़ी की। तो सामने से आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा बोल्ड लुक इस बार गाड़ी का निकला है। और फ्रंट से अगर आप देखोगे तो ऐसा भी नहीं लगता कि ये कोई MPV है, अच्छा खासा SUV स्टाइल का ही इसमें लुक है। तो बाकी ये जो आप ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट्स देख रहे हो, ये बेस वेरिएंट में नहीं आते हैं, ये हमने खुद करे हैं। तो इसकी भी वीडियो चैनल पे आ चुकी है ऑलरेडी, वो आपने नहीं देखी तो वो भी ज़रूर देख लेना। हेडलाइट्स की बात करें तो नॉर्मल हमें आपको रिफ्लेक्टर हेडलाइट्स इसमें मिल जाती हैं, कोई बहुत ज़्यादा फैंसी लाइट नहीं है, नॉर्मल सी लाइट है। साइड लुक की अगर बात करें तो एक बार पूरी गाड़ी की लेंथ चेक करो, बहुत ही लंबी गाड़ी है ये। और जो गाड़ी को सिर्फ एक ही चीज़ है जो इसमें अच्छी नहीं लगती, वो है इसके टायर्स। तो ये आप देख सकते हो, इसमें 16 इंच के अलॉय व्हील्स आते हैं बेस वेरिएंट में, साइज़ है 205/65R16। तो भाई इसमें जो टायर है वो मेरी सोनेट से भी छोटा टायर है गाड़ी के अंदर, तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। और थोड़ा गाड़ी को पे और बड़े अगर टायर होते तो और अच्छी लुक इसकी बन के आती। साइड से आप देखो तो ये वाला दरवाज़ा अगर आप देखोगे तो बहुत ही लंबा है, और ये मैं आपको दिखाऊंगा अंदर इसके लंबे होने की वजह से जो अंदर स्पेस है वो कितना ज़्यादा है गाड़ी के अंदर। बैक से एक बार लुक चेक करते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हो LED टेल लैम्प्स हमें दिए गए हैं, और ये अच्छा सा स्मोकी से फिनिश में है, तो काफ़ी डिसेंट लग रहे हैं ये इस गाड़ी के ऊपर। पीछे आपको बेस वेरियंट में ये वाइपर भी मिल जाता है और वॉशर भी मिल जाता है, और ऐसी पूरी इसकी कुछ लुक निकल के आ रही है हाई क्रॉस की। अब सीधा चलते हैं गाइस गाड़ी के अंदर और देखते हैं बेस मॉडल में क्या क्या फीचर्स ऑफर करे गए हैं, और फिर सीधा चलेंगे हम अपनी ड्राइव पे। सबसे पहले चेक करते हैं इसका 3rd row का कंफर्ट। और इनोवा जैसे कि अपने कंफर्ट के लिए गाड़ी जानी जाती है, तो देखते हैं क्या नई इनोवा में हमें वो कंफर्ट मिल पाता है जो हमें पुरानी इनोवा में मिलता था। तो अंदर जाने के लिए इसमें यहाँ पर आपको एक लीवर मिल जाता है, इसको आप डाउन करके स्लाइड करके और ऐसे अंदर जा सकते हो। अब ये वाली जो सीट है ये मैंने अपनी हाइट के हिसाब से आगे एडजस्ट करी हुई है, मेरे से लंबा भी और कोई बैठ सकता है, 6 फुट तक का आदमी यहाँ पर। तो उसके बाद अगर आप देखोगे तो ऐसे कुछ स्पेस निकल के आ रहा है। पीछे आपको इसमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिल जाते हैं दोनों के लिए, यहाँ पर आपको कप होल्डर्स भी अवेलेबल है, पीछे सेपरेट AC वेंट्स भी अवेलेबल हैं इसमें, और ये ग्रैब हैंडल भी है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरी हाइट जैसे 5'10" के अराउंड है, तो उस वो वाला बंदा यहाँ बैठ सकता है एटलीस्ट 3-4 घंटे के लिए, तो हम इसमें बैठ सकते हैं। ये आप देखो तो इतना इसमें आपको रिक्लाइन भी मिल जाता है, और क्योंकि ये कैप्टन सीट वाला वेरियंट है तो जो आपका लेफ्ट लेग है वो यहाँ पर आराम से आप इसमें स्ट्रेच आउट कर सकते हो। तो ओवरऑल गुड स्पेस एट द बैक। तो अब गाइस चेक करते हैं इसका मिडिल रो का कंफर्ट, और यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले मैं सीट को रिक्लाइन, आप देखो इसमें कितना ज़्यादा आपके पास अवेलेबल है आगे पीछे करने के लिए। तो पीछे भी अगर आप मान लो यहाँ पर आप ऐसे भी बैठ जाओ तो फिर तो पीछे बहुत स्पेस है, मतलब इस गाड़ी में 6 लोग पूरे कंफर्ट से जा सकते हैं। पीछे की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक आपको ये ट्रेसी मिल जाती है, और 2 इसमें कप होल्डर्स भी हैं। बट एक जो दिक्कत इस गाड़ी में मेरे को लगी वो है ये आर्मरेस्ट। तो ये आप देख सकते हो बहुत ही इसमें पतला दिया गया है, तो हाथ जब हम जनरली रखते हैं तो वो यहाँ पर फॉल करता है, बट इसमें हाथ हमें ऐसे रखना पड़ेगा जो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल है। तो ये थोड़े से और बड़े होते और इनकी थोड़ी पोजिशनिंग साइड में होती तो ज़्यादा बेटर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें फ़ैन के हमारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे जो कि रियर वाले हैं। नीचे हमें 2 Type-C के पोर्ट्स भी इसमें ऑफर किए गए हैं,
यहाँ पर आप देख सकते हो इसके एसी वेंट्स और एसी का फ्लो काफी अच्छा है। अभी हम गाड़ी काफी चला चुके हैं तो ये डायरेक्ट आपके बिल्कुल मुंह पे हवा डालेंगे और मजा आएगा आपको, गर्मी की कोई टेंशन नहीं है गाड़ी के अंदर। तो अब सीधा आगे चलते हैं और बात करते हैं फ्रंट में क्या क्या दिया गया। तो सबसे पहले गाइस चेक करो, जो हमने इसमें बहुत ही प्यारा काम किया है लेदर वर्क, तो आप देख सकते हो। और इस ये जो लेदर का डिज़ाइन भी अगर आप देखोगे तो भाई ऐसा डिज़ाइन मैंने पहले कभी किसी गाड़ी में नहीं देखा। तो ये जो सीट कवर्स और जो पूरा इसमें लेदर का काम हुआ है वो बहुत ही अमेजिंग है। और कार प्लस पे सारा काम हुआ है, तो इसकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो चैनल पे ऑलरेडी आ चुकी है, आप जाके देख सकते हो। अब देखते हैं हम, सबसे पहले आप देखो इसका स्टेयरिंग व्हील। तो यहाँ पर आपको सिंपली आपके वॉल्यूम के और ट्रैक अप डाउन करने के बटन इसमें मिल जाते हैं। क्रूज कंट्रोल इस गाड़ी में, इस वेरिएंट में, बेस वेरिएंट में आपको नहीं मिलेगा। और ये जितना भी आप काम इसमें देख रहे हो ग्लॉस ब्लैक का, ये भी गाइस कंपनी से नहीं आता है, ये हमने पूरा हाइड्रोडेप किया हुआ है। तो ये आपको नॉर्मल जो आपका फेडेड वाला ब्लैक कलर होता है नॉर्मल, उसी शेड में आता है। बाकी इसमें हमने एक एंड्रॉयड स्टीरियो भी लगा रखा है जिसकी फिटिंग भी काफ़ी अच्छी है। तो अब गाइस सीधा गाड़ी को ड्राइव करते हैं और देखते हैं कि जो इसमें इंजन दिया गया है। तो गाइस गाड़ी बड़ी है, हैवी गाड़ी है, और उस हिसाब से जो इसमें सिर्फ 209 Nm का टॉर्क दिया गया है, क्या वो इतनी हैवी गाड़ी को चलाने के लिए सफिशिएंट है या नहीं वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले गाइस आप देख लो स्टीयरिंग हमें टिल्ट टेलीस्कोपिक दोनों मिल जाता है, तो ये अच्छी चीज़ है। आप अपनी हाइट और उसके हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। बाकी बेस मॉडल के हिसाब से एक ही चीज़ इसमें अच्छी है जो कि है हमारा इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक। एसी आप देखो तो मैनुअली मिलता है और ये इतने घटिया क्वालिटी के कंट्रोल्स हैं, मतलब 22 लाख रुपए की पड़ती है बेस मॉडल गाड़ी भी। तो उसके हिसाब से पहली बात तो मैनुअल एसी होने ही नहीं चाहिए था, और है भी तो उसकी क्वालिटी बहुत ही बेकार है ऑनेस्टली बताऊँ तो। यहाँ पर आपको दो कप होल्डर्स मिल जाते हैं अच्छे खासे साइज के, तो बड़ी बॉटल इसमें आ जाएगी। अब सीधा चलते हैं गाड़ी ड्राइव पे और चेक करते हैं कि पेट्रोल में, इनोवा हमने जितनी भी आज तक चलाई है वो ज़्यादातर हमने डीजल में ही चलाई है, तो आज पेट्रोल वाली इनोवा का देखते हैं क्या रिस्पॉन्स है। सबसे पहले अगर हम स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग इसमें काफी लाइट दिया गया है, तो इनोवा गाड़ी के हिसाब से स्टीयरिंग काफी लाइट है। बट इसमें आप देख सकते हो एक डेड सेंटर है स्टीयरिंग में, जो कि थोड़ा सा आपको देख सकते हो आप, मैं इतना स्टीयरिंग घुमा रहा हूँ पर गाड़ी कहीं भी नहीं जा रही, बिल्कुल सीधी चल रही है। तो ये एक डेड सेंटर इसमें जरूर है। और हम बेल्ट लगा लेते हैं पहले बेल्ट की ट्यून बड़ी सही दी है, ऐसा लग रहा है ड्रॉप आने वाला है इसमें सस्पेंशन भी थोड़े इसके हार्ड साइड पे ही लग रहे हैं मेरे को, बट अभी आगे आएगा डबल स्पीड ब्रेकर, तो वहीं पे हम सारी गाड़ियां टेस्ट करते हैं सस्पेंशन के लिए, तो देखते हैं इसका क्या रिस्पांस रहता है। ये आ गए हैं दो, ये दिखने में पता नहीं कितने बड़े लग रहे हैं बट पूरी गाड़ी हिला देते हैं ये दो स्पीड ब्रेकर। तो यार इसमें जो आगे का पार्ट है वो तो काफी अच्छे से निकल गया, बट पीछे से गाड़ी पीछे बहुत ज्यादा उछल रही है। या तो ये भी हो सकता है पीछे गाड़ी में अभी वेट नहीं है और हम आगे बैठे हुए हैं, तो वेट आ जाएगा तो हो सकता है थोड़ी उसकी डैम्पिंग और अच्छी हो जाएगी, बट अभी फिलहाल ओके ओके लग रहा है सस्पेंशन, कुछ बहुत ज्यादा कम्फर्टेबल भी नहीं है बट आपको एक डिसेंट राइड ये दे देगा। सीधा बात करते हैं अब इंजन की, तो भाई ये जो इसमें ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स दे रखा है, अब मैंने जितनी अभी तक ये गाड़ी चलाई है तो ये शोर बहुत ज़्यादा कर रही है, और पिकअप इसमें उस लेवल का नहीं है जो अगर आप इसके कॉम्पिटिटर देखो जैसे कि आपका सफारी हो गया, XUV 700 हो गया, तो उनके मुकाबले अगर मैं बात करूँ तो पिकअप इस गाड़ी का उतना नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि टॉर्क भी सिर्फ 200 Nm का ही आता है इसमें और नेचुरली एस्पिरेटेड मोटर है ये। तो ये आप देख सकते हो गाइस अभी जैसे गाड़ी मेरी 70 पे चल रही है और मैं थोड़ी सी रेस दूंगा तो ये देख सकते हो आप एकदम से इसके RPM शूट कर जाते हैं, बट स्पीड उतनी तेज ये नहीं पकड़ती है गाड़ी। और इनोवा को जैसे हम कंफर्ट से मतलब
यू नो रिलेट करते हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा गाड़ी में रिफाइनमेंट और ज़्यादा होनी चाहिए थी। बाकी गाइस विजिबिलिटी की अगर बात करें तो बहुत ही शानदार विजिबिलिटी है गाड़ी के अंदर। आप देख सकते हो सामने का भी शीशा काफ़ी बड़ा है, साइड के जो हमारे ग्लासेस हैं वो भी बहुत अच्छे साइज के हैं, तो बहुत ही एयरी कैबिन है गाड़ी के अंदर। और ORVMs की विजिबिलिटी की बात करें तो वो भी बहुत अच्छे दिए गए हैं इसमें, अच्छे बड़े साइज के हैं। और ये जो आप स्पेसिफिक एलिमेंट देख रहे हो, यहाँ से बिल्कुल भी हमारा ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट नहीं होगा, ये बहुत ही अच्छा सोच के बनाया गया है जो यहाँ पे ग्लास दिया गया है, तो ये इसकी एक अच्छी चीज है। बट IRVM की अगर बात करें तो इससे व्यू तो प्रॉपर आ रहा है हमें, बट ये अगेन आपको 800 वाला ही मिलेगा इसमें थोड़ा अभी चेंज नहीं हुआ है। बाकी पोजीशन अगर बात करें हम, जो सीटिंग पोजीशन है गाड़ी की वो काफी कमांडिंग है इसमें, मतलब एक हाइट पे आपको फील होगा कि आप बैठे हो। और जो बोनेट है उसका भी आपको पूरी विजिबिलिटी है गाड़ी के अंदर, तो चलाने में और विजिबिलिटी वाइज गाड़ी में कोई इशू नहीं है। तो अभी जैसे हम लोग हाईवे पे ही हैं एंड 70 पे क्रूज कर रहे हैं, तो अभी स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो वो कैसी फील हो रही है? स्टेबिलिटी अभी तो ठीक फील हो रही है, मतलब अभी हम इससे ज्यादा स्पीड पे जा नहीं पा रहे हैं यहाँ पर, बट 70-80 पे वैसे तो गाड़ी काफी प्लाइंट है, और ऐसा भी नहीं है कुछ गाड़ी में रोल वगैरह ज्यादा हो, तो वैसे कोई चीज नहीं है इसके अंदर। तो यहीं पे अभी हम बात कर लेते हैं कि जो मटेरियल्स यूज करें गाड़ी में वो कैसे हैं। तो अगर आप ये देखोगे तो ये देखो आप इसकी प्लास्टिक क्वालिटी, कोई ऐसी रैटलिंग नॉइज नहीं आ रही जैसे हमने सेल्टोस में भी ऑब्जर्व किया था मेरी, कि बहुत ज्यादा रैटलिंग नॉइज आती थी प्लास्टिक को हिलाने पे, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा मटेरियल का प्लास्टिक जो है वो यूज किया गया है, एंड सामने आप देख सकते हो तो डैशबोर्ड भी जो है ऐसे कोई इसमें नॉइज वॉइज नहीं आती है गाड़ी चलाते हुए। एंड बाकी इसके अगर हम नॉइज आइसोलेशन लेवल्स की भी बात करें तो गाड़ी के अंदर एज सच कोई नॉइज तो मेरे को तो फील नहीं हो रही, रोड नॉइज ज्यादा आती हुई या इंजन की नॉइज आ रही हो। नहीं अभी इंजन की तो मतलब जब हम रेव करते हैं तो 2000 के ऊपर जैसे ही आपका इंजन जाएगा तो शोर तो है, स्पेशली जो हमारे पास ऑटोमेटिक शोर एज इन जब ज्यादा एक्सेलरेट करो RPM हाँ। बढ़ता तो आएगा ही आएगा, बट जैसे हाँ। हम क्रूज कर रहे हैं अभी 60 पे हाँ। तो इतनी गियर शिफ्टिंग वगैरह नहीं हो रही, तो उस मामले में अगर इंजन की नॉइज देखी जाए तो बहुत ज्यादा नहीं आ रही है केबिन के अंदर नहीं है। और जब गाड़ी गड्ढों में भी जा रही है तो तब भी कोई प्लास्टिक्स बजने की या वैसी कोई आवाज इसमें एटलीस्ट नहीं है, तो ऐसा कोई आपको सॉफ्ट टच तो कहीं भी नहीं मिल रहा गाड़ी में, बट जो भी प्लास्टिक यूज करा गया है वो ठीक ठाक क्वालिटी का है तो वो आवाज नहीं कर रहा। तो गाइस गाड़ी को मैंने डाल दिया है मैनुअल मोड पे, तो अब इसका हम एक एक गियर में एक बार चेक करते हैं रिस्पॉन्स, कौन से गियर में कहाँ तक गाड़ी जाती है और कहाँ तक आपको चलानी चाहिए। तो अभी एक अपहिल सेक्शन है यहाँ पर आप देख सकते हो, तो मैं गाड़ी को डाल रहा हूँ थर्ड गियर में, तो भी आप देख सकते हो गाड़ी हमारी थर्ड गियर में अराउंड 50 की स्पीड पर है, और उस समय ये 3000 RPM पे गाड़ी रहती है। तो अब गाइस देखो फोर्थ गियर में मैंने काफी अच्छी रेस दे रखी है, तो वही है आप देख सकते हो फोर्थ गियर में भी ये 80 की स्पीड पे ही थी और बिल्कुल 4000 RPM ये टच करने को गाड़ी हो रही है। तो चलाने के मामले में तो मतलब इतनी रिलैक्स्ड ड्राइव इस गाड़ी में मेरे को नहीं लग रही है। अब अगर मैं जैसे मान लो इसको जो इसका हाईएस्ट 6th गियर है उसमें चलाऊं, तो मैं एक बार चेक करवाता हूं कि 70-80 की स्पीड पे ये गाड़ी कितने RPM पे आपकी रहेगी। तो अब आप गाइस देख सकते हो गाड़ी मेरी चल रही है अराउंड 70, तो 70 पे ही ये गाइस 2100-2200 RPM पे है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि 100 की स्पीड पे ये गाड़ी आपकी 3000 RPM के आसपास रहने वाली है। तो ये काफी डिसअपॉइंटिंग सा फैक्टर है कि 2 लीटर का इंजन अगर 3000 RPM पे क्रूज करेगा तो इसकी माइलेज क्या ही होगी, आप सोच सकते हो काफी कम होने वाली है। तो ओवरऑल इंजन से ज्यादा इम्प्रेस नहीं हूं मैं ऑनेस्टली, मतलब आप ठीक है आप चला सकते हो, बट इसको आपको कंटिन्यूसली हाई RPMs पे ही ये इंजन रखना पड़ेगा। और अभी जैसे मैं इसको मैनुअल मोड में चला रहा हूँ,
तो ये आप देख सकते हो कम से कम 40 के नीचे ये आपको तीसरा गियर भी नहीं डालने देती मैनुअल में। तो गाड़ी हमेशा अपने आप को हाई आरपीएम में ही रखती है क्योंकि पावर ऑब्वियसली कम है, तो उन्होंने ट्यूनिंग ही ऐसी करी होगी कि गाड़ी आपकी थोड़ी हाई आरपीएम पे ही रहेगी। बट कंपनी फिर भी क्लेम करती है कि आपको 16 तक की एवरेज जो है इस गाड़ी ये जो है वो देगी, बट 16 रियलिस्टिक फिगर तो नहीं होगी बिल्कुल। तो अभी इसको मतलब थोड़ा और चलाना पड़ेगा, अभी कोई हमें अंदाजा दे नहीं पाएंगे कि कितना एवरेज फ्यूल कंजम्पशन। यहाँ पे देखो अभी आप देख सकते हो मैं सेकंड गियर में हूँ, 30 की स्पीड है, ऑलरेडी आरपीएम 2000 के ऊपर है और ये गाड़ी तीसरा गियर नहीं ले रही, देख सकते हो आप मैं अब कर रहा हूँ पर ये लेगी ही नहीं। तो ये गाड़ी आपको कंटिन्यूसली हाई आरपीएम पे ही रखनी पड़ेगी, तो ये इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो गाइज यही था हमारा ड्राइव रिव्यू ऑफ न्यू टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस, एंड गाड़ी आपने देखी, गाड़ी कैसी लगी है हमें कमेंट्स में आप जरूर बताना। बाकी जो इंटीरियर है वो भी आपने देखा, अगर अभी तक नहीं देखा तो आप उस वीडियो में देख लेना, हम ऊपर लिंक भी डाल देते हैं आपके लिए ताकि आप देख पाओ कि सीट कवर्स वगैरह कैसे लगे हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अगर आपकी कोई स्पेशल डिमांड है, किसी गाड़ी का रिव्यू आप चाहते हो या कोई पर्टिकुलर आप मॉडिफिकेशन या कार एक्सेसरीज देखना चाहते हो तो हमें आप डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, या फिर हमें ईमेल भी कर सकते हो, या नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हो कि आप किस पे नेक्स्ट वीडियो चाहते हो, तो उसके हिसाब से हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में ही बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लो, हम बैक टू बैक वीडियोज जो है वो लाते रहेंगे आपके लिए। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।